एक मिलान हॉस्पिटल जो दिल्ली में पाइनियर है इनफर्टिलिटी के साथ, उसमें मैक्स हॉस्पिटल के साथ हम जम्मू में एक ओपीडी सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे साथ डॉक्टर आराधना है जो शी इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर द ओपीडी सर्विसेज इन जम्मू, हैज टाइड अप विद मिलान इन दिल्ली। तो वी आर गोइंग टू वर्क अप फॉर द इनफर्टिलिटी सेंटर इन जम्मू एज वेल एज ओपीडी सर्विसेज इन जम्मू। आई वुड ब्रीफ अबाउट मिलान। मिलान एक चेन ऑफ IVF सेंटर्स है इन कोलैबोरेशन विद द HCG ग्रुप। HCG ग्रुप आप लोग जानते हैं। सो एज आई सेड, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एन ओपीडी इन जम्मू इज टू ब्रिंग अपॉन अवेयरनेस द एंड टू सर्च दोज पेशेंट्स हु नीड इमीडिएट केयर सो दैट दे डोंट लूज देयर प्रेशियस टाइम। जैसे मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी का शुरू का इलाज हर गायनेकोलॉजिस्ट के पास हो सकता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उन मरीज़ों को आइडेंटिफाई करें जिनको उस शुरू के इलाज से लाभ नहीं होगा, जिनको डायरेक्टली कुछ हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बिफोर दे लूज देयर प्रेशियस टाइम। फ़ायदेमंद, वी हैव बीन ऑलरेडी डूइंग OPD इन श्रीनगर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनफर्टिलिटी या निसंतानता को एक टैबू माना जाता है। मरीज़ अपने रिश्तेदारों को या अपने घर में ये बताने में बहुत संकोच करता है कि मुझे बच्चा होने में परेशानी है। और अगर मरीज़ IVF से प्रेग्नेंट हो भी जाता है तो जब वो हमारे पास अपना दूसरा रिलेटिव भेजता है या फ्रेंड भेजता है तो मैसेज देता है, मैडम उनको बताना मत मेरा IVF से हुआ है। सो देर इज़ अ टैबू एंड दैट टैबू इज मार्क्ड इन जम्मू एंड श्रीनगर एज वेल। फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स इन जम्मू, जैसे आज देखते हो हम MD मेडिसिन करते हैं, MD मेडिसिन एक नॉर्मल ब्रांच बन गई है। उसके बाद कोई शुगर का देखता है, कोई हार्ट का देखता है, कोई गुर्दों का, जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे गायनी में भी इनफर्टिलिटी एक सेपरेट विंग होगी हुई है। जम्मू का पेशेंट इतना पेइंग पेशेंट नहीं होता, वो खाली एक OPD के लिए या सलाह मशवरा के लिए भी कई बार पेशेंट दिल्ली नहीं पहुंच सकता है। हम जम्मू वाले शुक्रगुजार होने चाहिए डॉक्टर साहब का, मिलान वालों का, या और भी जो सेंटर जम्मू आके काम कर रहे हैं, एटलीस्ट वो जम्मू के पेशेंट्स को कुछ गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ की आपको ज़रूरत है।